गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमको जो मोशंस की इक्वेशंस हैं, जो तीन इक्वेशंस हमारी, हम उन इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। यानी कि हमको जो प्रूफ करना है आपका, वो ये प्रूफ करना है वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। सबसे पहले हमको पहली बात तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद हमें ये याद होनी चाहिए कि हमने उसको प्रूफ करने के लिए क्या लिया है। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके फॉर्म में एक्सेलरेशन आ रहा है। जब ये एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मींस v माइनस u अपॉन t। हम इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। हमको प्रूफ करना है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तब वी इधर आ जाएगा तो माइनस वी इक्वल टू माइनस यू माइनस का ए टी, यानी कि v प्लस का है इक्वल के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ए टी प्लस का है इक्वल के इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लेंगे, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इक्वेशन में आपको प्रूफ करना है एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में जो आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए आप सबसे पहले लेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस वी अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है यू प्लस वी अपॉन टू। अब हम लेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये होता है फॉर्मूला। फिर क्या करेंगे हम, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी ली। एवरेज वेलोसिटी को लेने के बाद हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिया, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास लिखी हुई है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास लिखी हुई है यू प्लस वी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन से वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कहेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर जब v की जगह u प्लस ए टी रखते हैं क्या होगा, s इक्वल टू यू प्लस v की जगह u प्लस ए टी अपॉन का टू मल्टीप्लाई बाई टाइम। u और u, टू यू, s इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब यहाँ पर टाइम का जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, टू यू का टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एस इक्वल टू टू यू का टी के साथ टू यू टी अपॉन टू, और ए टी का टी के साथ होगा प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। टू यू का टी के साथ मल्टीप्लाई किया टू यू टी अपॉन टू, और ए टी का टी के साथ मल्टीप्लाई किया ए टी स्क्वायर अपॉन टू। इस टू से ये टू कट जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर।